गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास विद चैप्टर नंबर 7, हैंडलिंग पॉल्यूशन एंड डिजास्टर। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस अबाउट द ह्यूमन मेड डिजास्टर, दैट व्हाट इज इट एंड व्हाट हैपेंड व्हेन दे ऑक्यू, कि क्या होता है जब वो आते हैं, ह्यूमन मेड डिजास्टर होते हैं। सो हेयर टुडे वी विल डिस्कस अबाउट prevention of human made disaster, that how can we prevent from these disaster, हम इन disaster से कैसे बच सकते हैं, कौन कौन से preventions हैं जो हमें human made disaster से बचने के लिए follow करने चाहिए। human made disaster मैंने बताया थे mainly two, fire और epidemics। epidemics means महामारियाँ, बहुत जो danger बीमारियाँ होती हैं, spread from one person to another। ओके, सो हेयर फर्स्ट ह्यूमन मेड डिजास्टर इज फायर, एंड व्हाट शुड वी डू, क्या हमें करना चाहिए इनसे बचने के लिए। सो फर्स्ट पॉइंट इज द इलेक्ट्रिकल वायरिंग इन आर हाउसेस एंड अदर बिल्डिंग शुड बी रेगुलरली चेक्ड, कि जो भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग है हमारे घर में या किसी भी बिल्डिंग में जिसमें आप रहते हैं, अपार्टमेंट्स में रहते हैं, मल्टी स्टोरी हाउसेस में रहते हैं, किसी भी घर में आप रहते हैं, हाउसेस में रहते हैं, वहाँ इलेक्ट्रिकल जो वायरिंग है, जो वायर जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल, उनकी रेगुलर चेकिंग होनी चाहिए। वो रेगुलर चेक किए जाने चाहिए कि उनमें कोई कट तो नहीं है, उनमें कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं होने वाला है, ऐसा सब कुछ रेगुलर चेक होना चाहिए इलेक्ट्रिकल वायर्स का। फॉल्टी वायरिंग कैन कॉज फायर। फॉल्टी वायरिंग इट मीन्स वायर में कोई भी फॉल्ट होगा, वायर में कोई भी कट होगा अगर, तो वो फायर का कारण बन सकता है, आग का कारण बन सकता है। दैट्स वाई वी शुड चेक इलेक्ट्रिकल वायर रेगुलरली। नेक्स्ट पॉइंट इज थिंग्स सच एज पेट्रोल, पेपर, प्लास्टिक आइटम्स, सिंथेटिक क्लोथ्स एंड वेरियस स्प्रेज कैन ईजीली कैच फायर, कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो जल्दी से फायर पकड़ लेती है, आग पकड़ लेती है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। पेट्रोल, पेपर, प्लास्टिक आइटम। पेट्रोल तो बहुत डेंजर होता है, उससे तो हमें दूर ही रहना चाहिए। पेपर भी जल्दी आग पकड़ लेता है, उसमें थोड़ा सा भी आप मैचस्टिक दिखाओगे तो पेपर भी जल जाएगा। प्लास्टिक आइटम्स वो भी जल सकते हैं। सिंथेटिक क्लोथ उनमें भी बहुत जल्दी आग लगती है। और स्प्रे, जितने भी अब स्प्रे आते हैं उन सब में मिक्स आता है अल्कोहल वगैरह, तो उनमें भी जल्दी से फायर हो सकती है, फायर लग सकती है। तो इन सब चीज़ों से हमें जो है दूर रहना चाहिए, अपने आप को दूर रखना चाहिए। दीज शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ फायर। इन सभी चीज़ों को हमें फायर वाले प्लेस से दूर रखना चाहिए, कि जहाँ पे फायर लगने की पॉसिबिलिटी होती है, आग लगने की संभावना रहती है, उन जगहों से, इन सब चीज़ों को, स्पेशली पेट्रोल, पेपर, स्प्रेज, सिंथेटिक क्लोथ, ऐसी चीज़ों को जो जल्दी से आग पकड़ती है, उन्हें फायर वाले प्लेसेस से दूर रखना चाहिए। ओके, सो नाउ नेक्स्ट ह्यूमन मेड डिजास्टर इज एपिडेमिक्स, महामारियाँ। दैट व्हाट शुड वी डू ड्यूरिंग एपिडेमिक्स, क्या करना चाहिए हमें एपिडेमिक से बचने के लिए। सो फर्स्ट पॉइंट इज ऑलवेज मेंटेन प्रॉपर हाइजीन। हमेशा प्रॉपर हाइजीन का ध्यान रखना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है, गंदगी बिल्कुल नहीं रखनी अपने आसपास। रेगुलरली बाथ टेक करना है, रेगुलरली नहाना है। हाइजीन ऑफ द बॉडी एंड योर सराउंडिंग्स, कि कहाँ कहाँ हाइजीन रखना है, अपने सराउंडिंग, अपने चारों ओर, और अपनी बॉडी को, अपनी बॉडी में की भी साफ सफाई रखनी है और अपनी चारों ओर, अपने आसपास भी साफ सफाई रखनी है। यूज सोप एंड डिटर्जेंट। सोप एंड डिटर्जेंट मतलब साबुन और डिटर्जेंट, इट मीन सर्फ, जो पाउडर आता है डिटर्जेंट, उसका यूज़ करना चाहिए टू डिसइंफेक्ट योर बॉडी। अपनी बॉडी को डिसइंफेक्ट करने के लिए, इट मीन्स इन्फेक्शन से बचाने के लिए। डिसइंफेक्ट का मतलब होता है इन्फेक्ट होने से बचाना, किसी भी चीज़ के कॉन्टैक्ट में आने से बचाने के लिए, किसी भी चीज़ के संपर्क में, संक्रमण में आने से बचाने के लिए, इन्फेक्ट होने से बचाने के लिए अपनी बॉडी को प्रॉपर सॉप और डिटर्जेंट का यूज़ करना चाहिए। एंड दिस कैन
प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, और ये क्या है, हमें इन्फेक्शन के फैलने से बचने में हेल्प कर सकता है। इन्फेक्ट होने से हम बच सकते हैं, इन्फेक्शन नहीं फैलेगा अगर हम प्रॉपर हाइजीन रहेंगे, प्रॉपर साफ सफाई का ध्यान देंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो हेयर नेक्स्ट पॉइंट इज लास्ट वन, एंश्योर दैट द फूड एंड वाटर कंज्यूम्ड इन एन एरिया अफेक्टेड। फूड एंड वाटर, प्रॉपर फूड फ्रेश वाटर कंज्यूम किया जाना चाहिए, इट मीन्स उस अफेक्टेड एरिया में भेजा जाना चाहिए, दिया जाना चाहिए। बाय एन एपिडेमिक आर नॉट कंटेमिनेटेड, अगर कोई भी एरिया एक एपिडेमिक से इन्फेक्टेड है, कि कहीं पे भी कोई एपिडेमिक आया है, इट मीन्स कहीं पे भी कोई बीमारी चल रही है जिस एरिया में, वहाँ प्रॉपर फूड एंड वाटर कंज्यूम किया जाना चाहिए, दिया जाना चाहिए उन्हें, और कंटेमिनेटेड नहीं होना चाहिए। कंटेमिनेटेड का मतलब होता है खराब, बेकार, प्रदूषित। कंटेमिनेटेड गंदा खाना, गंदा पानी, उन्हें बिल्कुल अशुद्ध खाना, अशुद्ध पानी नहीं दिया जाना चाहिए। कंटेमिनेटेड वाटर, कंटेमिनेटेड फूड, ये नहीं दिए जाने चाहिए। बिल्कुल फ्रेश वाटर, फ्रेश फूड उस टाइम एपिडेमिक के टाइम दिया जाना चाहिए, क्योंकि हमें पता है प्रॉपर हाइजीन का ध्यान रखना है, हाइजीनिक रहना है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ वुमन मेड डिजास्टर, फायर एंड एपिडेमिक्स, एंड आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दीज प्रिवेंशंस ऑफ दीज डिजास्टर्स। ओके, एंड यू हैव टू रीड दिस टॉपिक एंड ऑल चैप्टर, बिकॉज नाउ चैप्टर इज कंप्लीट, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब आपको एक चैप्टर खुद से अच्छे से रीड करना है, यू हैव टू रीड केयरफुली, प्रॉपरली। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।